हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड 22। आप सभी का स्वागत है पैल वर्ल्ड में। एंड आज हम करने वाले हैं एक चीजीएस्ट थिंग, इज दैट हम मारेंगे एक बैलेनोर लेवल 30 को एक छोटी सी कैंप फायर से। यस, आई थिंक दिस इज द चीजीएस्ट थिंग मैं करने वाला हूँ पैल वर्ल्ड में अभी तक। अल्ट्रा रेयर को नहीं मार रहे क्योंकि उससे हमको रियल में फाइट करनी है। लेवल 50 को तो हमने वैसे भी हरा दिया है, पर लेवल 30 है, तीन लेवल रहते हैं। 50 वाले को हरा दिया है, लेवल 30 को हम कैंप फायर से हराएंगे और देखते हैं इज इट पॉसिबल। लेट्स गो। फर्स्ट एक फ्लैट ग्राउंड ढूंढो जहां पर आप पैल बॉक्स को सेटअप कर सको। आसपास के जितने भी प्राणी है ना उनको उड़ा दो। और हमारा पैल बॉक्स रेडी है। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको फ्लैट ग्राउंड ढूंढने आपके जस्ट पास में किसके ऊपर अटैक करना नहीं, ठीक है। अपने पैल बॉक्स के पास में निकालो स्ट्रक्चर। हमें चाहिए स्टूल, छोटा सा ये वाला स्टूल दिख रहा है आपको, इसको बिल्ड करना है। सो मैं इसको यहाँ पर बिल्ड करता हूँ, राइट ओवर हियर। नाइस, देन वन मोर जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पर लगाओ जस्ट लाइक दैट। मेरा स्लीपी वजर की तरह ये रहा। नाइस, अब इसके ऊपर हमें अल्टर बनाना है जहाँ से हम समन करेंगे बैलेनोर को। मैं लेकर आता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, हम लेकर आ गए हैं सामान अल्टर। ये जो स्टूल दिख रहे हैं जो आपने सेटअप करे हुए हैं इसके ऊपर रखना। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टूल हमने कुछ ज़्यादा ही पास रख दिए तो आप इसको थोड़ा दूर भी कर सकते हो। लाइक शायद हमने इसको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पास बना दिया। ओके, दिस लुक्स गुड डूड। इसके जस्ट ऊपर एक और इसके ऊपर अल्टर बनाएंगे। होप इस बार प्लेस हो जाए। yeah! देखो प्लेस हो रहा है, प्लेस कर दो इसको। अब जैसे ये कंप्लीट करेगा, नाइस। अब नीचे जाकर इसके जो दोनों स्टूल्स हैं उनको तोड़ना है आपको, इजी पीजी। देखना कि अल्टर ना तोड़ दो आप। देन इसके नीचे हमें लगानी है एक कैंप फायर, द अल्टीमेट फ्लेम, इसके जस्ट नीचे जहाँ पर ये स्पॉन होगी, राइट ओवर हियर। रुको मैं इसको अलाइन करता हूँ इस क्रॉस से। नाइस, जस्ट उसके नीचे लगी है। अब ये बना भी देगा इसको, ये बन गया। नाउ हमने स्लैब बनाई नहीं है, हमारे पास अल्ट्रा वाली है, पर हमें बैलेनोर स्लैब बनाना है। ये भी हम बना के लाते हैं, फिर हम यहाँ के जितने भी क्रीचर्स हैं उनको मारेंगे ताकि वो इनके ऊपर एग्रो ना हो। और मुझे शायद यहाँ पर आसपास की चीजें भी हटानी पड़ेगी। जैसे आपके पास स्लैब्स आ जाती है ना, इसकी रेसिपी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अनलॉक हो जाती है। लेवल 30 की स्लैब तैयार है। नाइस, और मुझे एक और चीज बनानी है, एंड दैट इज होम वर्ल्ड थंडर क्लाउड जो डैजी से बनता है। ओके, वी आर रेडी। मेरे पास बाजूका है उसको क्लेंच करने के लिए। हाँ, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ मेरी कहाँ पर है। नियर ये सेंचुरी आइलैंड है ना, जो सेंचुरी आइलैंड शायद नंबर 2 है, ये वाइल्ड सेंचुरी नंबर 2 के पास में ये आला, जिस जो शायद हाँ ये रहता है फैल बैट वाला आइलैंड, इसके पास में एकदम कोने पे बनाई है हमने, जो सामने से ऐसा दिखता है, ये वो रहा हमारा ऑर्ट्री। अब आ गए हम उसको लेके। अब क्या करना है आपको, आपको इसके ऊपर बैठना है या कोई सा भी माउंट जो फास्ट हो, जो आपको इससे दूर लेके जा सके एकदम फटाफट से। आपको एकदम दौड़ के दूर जाना है, इतना भी दूर नहीं कि वो डीस्पॉन हो जाए, इतना दूर कि वो आप पे आग्रो ना हो। और शूट्स, मैं भूल गया आसपास के पपलू पपली को हटाने के लिए। अच्छा, इसको मार दिया अनुबिस ने पहले, ये घूम रहा है, इसको भी उड़ाते हैं। स्टे डेड। नाइस, जितने भी पैल्स हैं आसपास वाइल्ड पैल्स या आपके बेस पे, एक भी पैल्स आप स्पॉन मत कराना। सिर्फ आपका जो माउंट है वो भी आपकी पार्टी में होना चाहिए, हो सके तो आप आपके माउंट से उतरो भी मत, नहीं तो वो भी अगर एग्रो हो गया उसके बैलेनोर पे तो आपका जो चीजी ट्रैप है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स समन लेवल 30 बैलेनोर। अपने कोई से भी फास्ट माउंट मैं प्रेफर करूंगा जेट ड्रैगन। नाउ वी समन इट एंड रन। कैंप फायर लगी हुई है, देखते डैमेज दे रहा है। यस, देखो दे रहा है डैमेज। अब मुझे एक काम करना है, इज दैट मैं को एक डैमेज देना है इसको बस, मैं ज्यादा पास में नहीं जाऊंगा इसके। देखो 3000 पर सेकंड का डैमेज मिल रहा है इसे। हम इसे कैजुअल पे खेल रहे हैं और 3-2-3-3-4 का डैमेज है। इजी पीजी, बस खड़े रहो, बस वेट करो कि कितनी जल्दी इसकी जो हेल्थ है वो डिप्लीट होती रहेगी। अगर आपको उसके लूट लेनी है तो एक डैमेज देना पड़ेगा आपको इसको। तो जैसे इसकी कम एचपी होगी ना, 10,000 बचेगी, हम इसके पास जाएंगे और हमारे बजूका से मारेंगे। आपको तो है, हमने जेट ड्रैगन से लेवल 50 बैलेनोर को मारा था, उस समय उसकी एचपी रीगेन हुई थी। वो क्या हुआ था, वो उसका सेकंड फेज चालू हुआ था और उस टाइम उसने अपना एचपी बढ़ा लिया। ओके, आई एम रेडी। 19, 20। ओके, मुझे मारना पड़ेगा आप पास आके। नाइस, परफेक्ट परफेक्ट शॉट, गॉड डैम, होली वाओ, दिस इज सो इजी, दिस इज सो फ्रिकिंग ईजी।
हमें क्या क्या मिला, हमें ट्रेनिंग मैनुअल मिली है, रूबी मिला है, व्हाट, बैलेनोर का एक और आएगा आ गया है। अब हमारे पास दो बैलेनोर हो जाएगी और अब हम उनको ब्रीड करा सकते हैं एक अल्टीमेट बैलेनोर बनाने के लिए। प्लस हमारे पास एशियंट कोर, एंशियंट सिविलाइजेशन कोर भी आ गया है। अगर आपको ये फार्म करना है ना तो आप इसको चीज करके ऐसे आराम से मार सकते हो, बस आपको फार्म करने जाना पड़ेगा आपका स्लैब्स, क्योंकि ये एंशियंट कोर सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन कोर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्राफ्ट करनी होती है। देखा, उसका ऑल्टर भी टूट गया, एंड ऑल्टर तो वैसे ही समर होते से शायद टूट जाता है, ये कैंप फायर टूटी नहीं है। जी जी, ऑल्टर हमारी कैंप फायर, द अल्टीमेट होली कैंप फायर जिसने बैलेनोर लेवल 30 को उड़ा दिया। जी जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कैंप फायर से चीज़ कर सकते हो, और ये जल्दी फिक्स हो जाएगा शायद आने वाले पैचेस में। ये चीज़ ही बैलेनोर कैंप फायर स्ट्रैट जो है वो हमें रेडिट पे मिली है, जो जनरल हेनरी यूज़र नेम है उसका, उसने पोस्ट करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करें और आप लोगों के साथ शेयर करें, मज़ा आ गया। पर अभी हमारे पास अल्ट्रा बैलेनोर स्लैब बाकी है जिसको हम फेयर एंड स्क्वायर मारेंगे, एक अल्टीमेट आर्मी बना के हमारी, और वो कौन कौन से पैल्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा सून इनफ। नाइस, और यूज व्हाट द हेल चीज। एक बार मुझे एनिमेशन देखने दो इसका। ओके, नाइस, यूज वन मोर। एक क्लाउड पे बैठता, निम्बस पे बैठता और इंस्टेंट ट्रांसमिशन, पहुंच गए हम। ये अच्छी चीज़ है, ये पीवीपी में बहुत यूज आएगी, अगर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं ना और आपको आपके बेस पे लौटना है। वैसे ये काइंड ऑफ कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े। हाँ, पर ये भी है कि इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती है। होमवर्ड बोन नहीं, होमवर्ड क्या टेक्नोलॉजी है, होमवर्ड थंडर क्लाउड है। नाइस, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट प्लस डेजी क्लाउड्स लेने पड़ते हैं आपको इसको बनाने के लिए। सो इस वर्ल्ड में हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, एंड अब एक ही चीज़ बाकी है, वो है बैलेनोर अल्ट्रा को हराना, जो हम जल्दी हराने वाले हैं। उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये स्ट्रैट, ये कैंप फायर स्ट्रैट आप भी ट्राई करना आपके वर्ल्ड में, और बताना मुझे ये काम करती है कि नहीं, इससे पहले कि ये फिक्स हो जाए। एंड वन मोर थिंग, हाउ द हेल डू यू इवॉल्व कॉम्बी टू वेस्पी क्वीन इन पोकेमॉन गो? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने पोकेमॉन गो खेलना स्टार्ट किया है, एंड आई एम लविंग इट, एंड टोटल नंबर ऑफ पोकेमॉन्स आई थिंक मैंने 1000 तक पहुंचने वाला हूँ। रियली वेरी सेम्ड। सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये कैसे करते हैं, एंड ऐसे सवाल मैं आपसे आने वाले दिनों में और पूछता रहूंगा अबाउट Pokemon. तो मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ Palworld. Until then, see you guys next time. Bye bye.